हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन की। हम एक रेडियोग्राफ देखेंगे, एबनॉर्मल रेडियोग्राफ देखेंगे, उसमें फाइंडिंग्स हम देखेंगे क्या क्या हमें इसमें दिख रहा है, थोड़ा हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ था नॉर्मल रेडियोग्राफ में, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हमें पता होंगे तो एबनॉर्मल फाइंड करने में हमें आसानी होगी, हम एबनॉर्मल फाइंड कर पाएंगे। उस वीडियो को आप लिंक से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, या फिर इस वीडियो के ऊपर एक सजेशन आएगा, एक आई बटन आएगा, उसमें भी क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। तो रेडियोलॉजी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत छोटी छोटी फाइंडिंग्स होती हैं रेडियोग्राफ में, एक्सरे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो सकता है वो नॉर्मल है लेकिन रेडियोग्राफ में एबनॉर्मल दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किस टेक्निक से लिया गया है, क्या रेडियोग्राफ में दिख रहा है, जो अपीयर हो रहा है वाकई वो है भी या नहीं है, बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे आगे की वीडियोस में उनकी बात करेंगे। आज हम एक एबनॉर्मल रेडियोग्राफ देखेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या क्या फाइंडिंग्स उसमें हमें दिख रही है, स्टडी करने का हम उसको ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए समझते हैं इसको। ये दो टूथ आप देख रहे हैं रेडियोग्राफ में, ये 7 है, 4-7, और ये 4-8 है, ये विजडम टूथ है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी नए हैं, रेडियोग्राफ को देखना आप सीख ही रहे, तो इस वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और आप देखिए क्या क्या फाइंडिंग्स आपको पता चलती है। आप इसमें अपना एक फाइंडिंग्स बनाइए, उसके बाद हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। तो क्या एबनॉर्मेलिटी आपने फाइंड की? तो आई होप सबसे पहले आपने ये फाइंड किया होगा कि यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही ब्लैक दिख रहा है, जो रेडियो लिसेंसी है कुछ ज़्यादा ही है। तो बिल्कुल वो है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या और भी फाइंडिंग्स आपने देखी? जैसा मैंने आपको बोला था कि हम स्टडी करेंगे, समझेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, फिर हम उसमें भी आएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एब्रेशन इसमें है, जो टूथ है वो एब्रेडेड है। आप दोनों टूथ को देखिए, ये पूरा तो नहीं है लेकिन जो 7 है इसमें आप अच्छे से देख लेंगे कि ये एब्रेडेड है। जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है टूथ की, जो हमारा कस्प होता है उसकी जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है, वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, एब्रेशन इसमें हमें दिख रहा है। बाकी जो इनेमल, डेंटिन, पल्प और लिगामेंट्स, सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उसमें आप देख ही सकते हैं। इसमें हम सिर्फ एबनॉर्मल की बात करते हैं, क्या क्या हम फाइंड इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले एब्रेशन यहाँ मुझे दिख रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद इस टूथ के साइड में कोई टूथ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये 4-7 है, ये सेकंड मोलर है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर टूथ नहीं है, मतलब मिसिंग टूथ है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हुआ होगा। यहाँ की बोन आप देखेंगे तो रिजॉर्व होना शुरू हो गई है, मतलब जो एक्सट्रैक्शन हुआ है उसको काफ़ी टाइम हो गया है। ये बोन आप देखिए यहाँ पे रिजॉर्व होना शुरू हो गई है, और जो बोन अटैचमेंट है वो यहाँ पर भी थोड़ा नीचे से है, पूरा ऊपर से नहीं है। तो ये चीज़ हमें दिख रही है, और यहाँ पर एक पॉकेट बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा पॉकेट बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में, दोनों दांतों के बीच में आप देखेंगे तो काफ़ी गैप दिख रहा है। ये जो ट्रांसलूसेंसी है, यहाँ पर फूड लॉजमेंट पेशेंट को ज़रूर होता होगा, दोनों दांतों के बीच में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे फूड लॉजमेंट पेशेंट को होता होगा। अब हम इस टूथ की बात करते हैं जो इसमें बिल्कुल प्रोमिनेंट दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल जो रूट्स हैं, जो पेरियोपाइकल एरिया है, उसमें आप देखेंगे ट्रांसलूसेंसी दिख रही है। और इस रेडियोग्राफ को इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके पेरियोपाइकल एरिया में आप देखेंगे तो नॉर्मल है, और इसमें आप देखेंगे तो एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, ट्रांसलूसेंसी दिख रही है, मतलब इस टूथ में पेरियोपाइकल इन्फेक्शन हमें दिख रहा है। तो ये जो है पेरियोपाइकल इन्फेक्शन है। और अच्छे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोन लॉस समझ में आएगा, यहाँ पर भी बोन लॉस है। इसमें देखिए बहुत अच्छे से ये बोन से अटैच है, लेकिन इस वाले सॉकेट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर बोन लॉस है, ट्रांसलूसेंसी हमें दिख रही है। जो बोन है वो इस पैटर्न की होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलूसेंसी हमें दिख रही है। यहाँ पर ये डार्क है और ऊपर जाते हुए ट्रांसलूसेंसी कम हो रही है, मतलब यहाँ से बोन है लेकिन यहाँ पर बोन लॉस है। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ तो और क्लियर होगा।
ये देखिए, इसको हम इन्वर्स करते हैं। ये एक्सटेक्शन 48 एक्सटेक्शन के लिए ये टूथ था। तो ये देखिए, ये जो इन्वर्स मैंने किया है इसको, तो जितना भी ट्रांसलूसेंसी थी वो अब ट्रांसओपेक हो गई। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, और ज़्यादा क्लियर ये इसमें होगा। ये देखिए, बहुत क्लियर हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरियोपाइकल इन्फेक्शन है और ये बोन लॉस है यहाँ पर। तो ये कुछ फाइंडिंग्स इसकी हमने देखी, जैसे कि यहाँ पर एब्रेशन है, इसके बाद यहाँ पर मिसिंग टूथ है, यहाँ पर बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है, उसके बाद पॉकेट बना हुआ है यहाँ पर, इसके बाद इसमें पेरियोपाइकल इन्फेक्शन इसमें है, बोन लॉस यहाँ पर है। तो जनरल फाइंडिंग्स हमने इसमें देखी और समझा कि एबनॉर्मल हम कैसे समझ सकते हैं। जो मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर नॉर्मल हमें पता होगा तो एबनॉर्मल हमें समझने में आसानी होगी, हम तुरंत फाइंड कर पाएंगे। तो और भी फाइंडिंग्स इसमें हो सकती हैं, और भी फाइंडिंग्स आप देख सकते हैं, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हैं कि और क्या फाइंडिंग्स इसमें हैं। तो पॉज करिए, इसको देखिए और अपनी फाइंडिंग्स आप निकालिए, तो और क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा, तो और अच्छा डायग्नोसिस हम कर पाएंगे। जो रेडियोग्राफ को समझने की एबिलिटी है उसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। एक रेडियोग्राफ लीजिए और उसको स्टडी करिए, छोटी छोटी चीज़ें उसमें देखिए कि क्या इसमें और हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर वीडियो आप देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।